हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको रेसिपी देने जा रहे हैं छोले भटूरा का। आज हम डिनर में बना रहे हैं छोले भटूरा, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए ना हम काबली चना लिए थे और इसको 6 से 7 घंटा हम पानी में फुला के रख दिए। इसमें कुछ डाले नहीं थे, बस पानी में फुला के, और इसको इस तरह से ये फूल गया है। अब इसको ना हम कुकर में डाल देते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं और ये थोड़ा सा खड़ा मसाला, ये दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और तेज पत्ता, बस इसको ऐसे ही इसमें डाल दिए हैं। और इसमें पानी डाल देते हैं, छोला जो है काबली चना जितना डूब जाए उतना पानी डाल दे रहे हैं। देखिए, ठीक है। अब इसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं, 2 सीटी तक इसको लगने देते हैं। तब तक हम भटूरा के लिए आटा सान के रख देते हैं, वो भी आधा घंटा तक उसको छोड़ देंगे सान के, ताकि वो अच्छे से फूल सके। ये इस कप से 3 कप मैदा ले रहे हैं। ये देखिए, 3 कप मैदा है और इससे ये सूजी। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और ये इसमें दही मिक्स कर रहे हैं। दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, इसको इस तरह से मिला ले रहे हैं। दही में इस तरह से हो गया है। अब इसमें पानी डालते हैं और पानी डाल के इसको, इसका डो ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और गीला भी नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। अभी फिर ज़्यादा गीला कर देंगे तो ये और फूल के गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल ही रखना है, ताकि कुछ देर छोड़ना है आधा घंटा, तो और ये फूलेगा तो थोड़ा गीला हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि हम कैसा बनाए हैं, और आप बना के देखिएगा इस तरह से, बताइएगा कैसा बना आपका भी। आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, ये भी बताइएगा मुझे। थोड़ा सा तेल लेके अब इसको लास्ट में इस तरह से मिक्स कर देंगे और फिर इसको ढक के आधे घंटा छोड़ देंगे। आप ज़्यादा देर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हो गया। फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम छोला के लिए मसाला तैयार करते हैं। इसमें हम तेल डाल रहे हैं, हम सरसों तेल डाल रहे हैं। आपको जो दूसरा तेल लेना रहेगा, कोई भी कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम फोरन डालते हैं। ये हो गया जीरा, ये तेजपत्ता मसाला डाल रहे हैं, और ये थोड़ा सा हींग डाल रहे हैं। हींग डालने से क्या होता है ना, कि जो गैस का जो प्रॉब्लम होता है, लोग बहुत लोग बोलते हैं कि छोला खाने से गैस होता है, वो ये नहीं होता है, डाइजेस्ट अच्छे से करता है। ये हमने हींग डाला। अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं। अभी इसको प्याज थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाएगा ना, उसके बाद फिर इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर कट करके इसे रख लेंगे। और एक चीज़ और, अब हम ना इसके लिए मसाला जो है ना,
पहले से पानी में डाल के रखते हैं ताकि वो फूल जाता है, मसाला जो फूल जाता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हम रख रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर और ये जीरा पाउडर, थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्च। आप अपने जैसा तीखा खाते हैं उस अनुसार डालिएगा। और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, इसको भी हम इसी में अभी मिक्स कर देंगे। पहले ऐसे मिक्स कर दे रहे हैं, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको फूलने डाल देंगे। जब तक ये प्याज मेरा भुजाएगा तब तक ये मसाला अच्छे से फूल जाएगा। तो इसको हम अभी साइड में रखते रहे हैं। जब तक ये प्याज भुजा रहा है हम टमाटर कट कर लेते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी कुछ देर के बाद डालेंगे। हल्का सा जब प्याज भुजा जाएगा उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। पीस के नहीं डाल रहे हैं हम टमाटर, बस ऐसे ही छोटा छोटा कट करके डाल रहे हैं। दोनों का टेस्ट अलग आता है, आप एक बार इस तरह से भी देखिएगा बना के बिना पीसे हुए, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम प्याज भुजा गया था फिर, तो इसमें टमाटर डाल दिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट जो रखे थे ना तैयार करके वो डाल दिए हैं। ऐसा वो पेस्ट नहीं था, इसको कट के लहसुन और अदरक को कट के डाल दिए हैं इसमें। अब देखिए ये भुजाने पे है, अब हम इसमें मसाला डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए मसाला जो फूलने डाले थे ना उसको अब हम इसमें डाल दे रहे हैं। अब इसको थोड़ी देर भूजेंगे, जब ये तेल छोड़ देगा तब फिर हम इसको छोला में डालेंगे। मेरा कैसा बन रहा है फ्रेंड्स एक बार बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक हम आपको ये दिखा देते हैं, ये छोला मेरा देखिए तैयार हो गया है। एक बार ऐसे करके देख लीजिए, ये देखिए पूरी तरह से सीज गया है। अब इसमें जो खड़ा मसाला डाले थे हम उसको निकाल देते हैं। इस पानी को फेंकेंगे नहीं, इसी पानी में हम ये मसाला डालेंगे, क्योंकि मसाला भी मेरा जो है ना देखिए तेल छोड़ने लगा। ये देखिए तेल छोड़ने लगा, अब मेरा मसाला तैयार होने पे है। इसी समय हम ये धनिया पत्ता डाल रहे हैं, अभी भी डाल रहे हैं, फिर लास्ट में भी धनिया पत्ता डालेंगे। इस समय मसाला में अगर धनिया पत्ता डालिएगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स इसी समय अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रहे हैं, कट करके हाथ से इस तरह से डाल दीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, अब ये मेरा मसाला तैयार है। अब इस मसाले को हम इस कुकर में डाल के बस एक सीटी लगा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ये हो चुका है, मेरा चना जो है काबली चना ये पूरी तरह से गल गया है। तो थोड़ा सा बस इस मसाले को इसमें मिक्स करके एक सीटी लगा देंगे ताकि सब एक मिक्स हो जाए अच्छे से। ये मसाला वाला जो पानी है इसमें हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा,
इस पानी को भी हम छोले में डाल देते हैं और इसे अच्छे से चला दीजिए। ये देखिए, आप लोग को अगर बाद में गरम मसाला और डालना है तो डाल सकते हैं, हम मसाला में ही डाल देते हैं तो इस समय हम नहीं डालते हैं। आप लोग को जैसा पसंद है बाद में भी डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अब हम इसमें ऊपर से एक ऐसे ही मिर्च डाल रहे हैं, इससे बस अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है। इसको अब बंद कर दे रहे हैं, बस एक सीटी में ये हो जाएगा क्योंकि छोला ऑलरेडी सीज चुका है, बस मसाला में मिक्स हो जाएगा, वो तैयार हो जाएगा। फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसा मेरा छोला बनके तैयार हुआ है। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ बताइएगा, जैसा भी लगेगा कमेंट कीजिएगा। अगर उसमें कुछ कमी है कुछ है तो आप बताइएगा कि मुझे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए प्लीज़। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा छोला बनके तैयार है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए, अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं, इसको एक बार चला दे रहे हैं। ये मेरा छोला बनके तैयार है और ये देखिए मेरा आटा भी अच्छे से फूल गया है। ये देखिए, अब इसको इस तरह से करके भटूरा बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको। कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गर्म हो जाएगा तो इसमें हम तेल डालेंगे। मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इसमें, देखिए ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, इसको हम छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। इस तरह से चिकना चिकना, अब हम इसमें हल्का सा तेल लगा के इसको बेल लेते हैं। करना है इसको डाल के देख रहे हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ा सा और गर्म होगा तेल। अब तेल गर्म हो गया फ्रेंड, अब इसमें हम भटूरा डाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए मेरा भटूरा, देखिए कितने अच्छे से ये फूल गया है। एक और बना के दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए मेरा भटूरा कितने अच्छे से फूल रहा है। आप इस तरह से एक बार बना के देखिएगा और बताइएगा कैसा बना है। ये देखिए, अब हम इसको निकाल ले रहे हैं, चलिए आपको सर्व करके दिखाते हैं। अच्छा,
छाया है, ये देखिए इसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है।